नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू कानून। कमेटी ने 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी, की 23 संस्तुतियां। कुमाड़ के शहीदों को सीएम धामी ने किया नमन, बोले विकल्प रहित संकल्प से उत्तराखंड बढ़ रहा आगे। उत्तराखंड के दो शिक्षकों को मिला राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल बोपाराय ने बीजेपी पर लगाया विभाजन की राजनीति का आरोप। हल्द्वानी पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के खुमाड़ गांव पहुंचकर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को नमन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि खुमाड़ अल्मोड़ा के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। उत्तराखंड से हरिद्वार के प्रदीप नेगी और कुमाऊं से कौस्तुभ जोशी का चयन किया गया, जिन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। कांग्रेस प्रवक्ता आदिल बोपाराय ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदिल बोपाराय ने बताया कि देश को जोड़ने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल सोमवार को हल्द्वानी पहुंची। यहां कुमाऊं भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा कर आशा नौटियाल का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाए। एलटी भर्ती परीक्षा पर उठे गड़बड़ियों के सवालों से शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ गई है। अगर राज्य सरकार ने भर्ती की जांच शुरू की तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों को शिक्षकों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जून महीने में हुई अंकित की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। अंकित का हत्यारा उसका दोस्त ही निकला है। दोस्त ने 5,000 रुपए के लिए अंकित की हत्या कर दी थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ऋषिकेश के बंगाली मंदिर के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के अंदर एक मजदूर का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। रुड़की के शंकरपुर गांव में महिला की संदिग्ध बुखार से मौत हो गई है। मौत के बाद शंकरपुरी गांव में दहशत का माहौल है। गांव में करीब 100 लोग बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया है। धनौल्टी की सुवाखोली थत्यूड़ मोटर मार्ग भूस्खलन के बाद बंद हो गया है। मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्ग को तत्काल ही खोलने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।